रीवा के सिंधु भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि सिंधु युवा शक्ति द्वारा धूमधाम से झूलेलाल जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। पदाधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी हंसदास उदासीन के सौजन्य से झूलेलाल अमर ग्रंथ का पाठ 5 दिवसीय अनुष्ठान सम्पन्न होगा और पूज्य स्वामी झूलेलाल की कथा सिंधु भवन में कार्यक्रम किया जाएगा। 21 मार्च को सामूहिक जनेऊ संस्कार व सुर संगीत का आयोजन होगा। इस दौरान प्रेस वार्ता में नरेश काली, अमित ठारवानी, कमलेश ठरवानी, पप्पू मजानी व सिंधु संगठन के लोग उपस्थित रहे। आगामी 23 मार्च का जो दिन आ रहा है इस वर्ष, ये हमारे सिंधी समाज के लिए इस बार बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 23 मार्च को झूलेलाल जयंती है और इसी दिन 9 संवत्सर का शुभारंभ भी होता है, जो 2080 का नया साल है। हम उसको सिंधी नया साल बोलते हैं, हमारे सिंधी समाज में उसको नया साल माना जाता है, उसका भी शुभारंभ हो रहा है। और उसके साथ हमारे सिंध के अमर शहीद वीर हेमू कालाणी जी का उस दिन 23 तारीख को जन्म शताब्दी वर्ष है, तो ये तीनों का समागम है। और इस वजह से इस बार बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जो कार्यक्रम हर वर्ष 3 दिन का होता है, उसको इस बार 5 दिनों में मना रहे हैं हम लोग।